राहुल गांधी ने कल गुलाबी नगरी से हुंकार भरकर विधानसभा चुनाव का ट्रेलर दिखाया था, तो अब प्रधानमंत्री मोदी 25 तारीख को जयपुर दौरे पर पूरे चुनाव की पिक्चर दिखाने वाले हैं। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव के चंद महीने बचे हैं, ऐसे में सभी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं। स्थानीय नेताओं के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व भी प्रदेश के चुनावी रण में कूद चुका है। राजस्थान समेत चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां पूरे जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। लेकिन खास तौर पर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का फोकस राजस्थान पर है, क्योंकि वर्तमान में यहां कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में बीजेपी हर हाल में 2023 विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की तैयारी में है, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि 2023 विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल है, जिसका पूरा असर 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास कर करोड़ों की सौगात दी। पीएम मोदी ने इन सौगातों से पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश की। वहीं अब प्रधानमंत्री 25 तारीख को राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं। इसको लेकर प्रदेश बीजेपी खास रणनीति पर काम कर रही है। गौरतलब है कि इस दौरान पूरे प्रदेश में चल रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का भी समापन होगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के जयपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही खींचतान पर भी विराम लग सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी ने पिछले काफी समय से ही कई केंद्रीय मंत्रियों को प्रदेश के चुनावी मैदान में उतार दिया है। साथ ही पीएम मोदी भी अब तक 4 से 5 बार प्रदेश दौरे पर आ चुके हैं। ऐसे में आगामी 25 तारीख को होने वाली पीएम की सभा को लेकर भी खासा तैयारियां की जा रही है। खास बात यह है कि इस रैली की तैयारियों की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा को सौंपी गई है, ताकि महिला आरक्षण को लेकर भी प्रदेश में राजनीतिक संदेश दिया जा सके। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।